पूर्व दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज खत्म होगी और ऐसे में गीता कॉलोनी और रसीद मार्केट में कूड़ा उठाते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी आज से वापस आ गए हैं क्षेत्र में, जहां 20 दिनों से लगातार हड़ताल पर थे, जहां एमसीडी कर्मचारियों की मांग थी कि हमारी जो वेतन नहीं मिला है वो वेतन दें, और आज इन सभी का वेतन मिल चुका है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांग मान ली गई है, इसलिए आज हमने जो हड़ताल थी खत्म कर ली है और सभी अपने अपने क्षेत्र में आ चुके हैं। जो 20 दिन से जो क्षेत्र के अंदर कूड़ा था, गंदगी थी, नालियां बंद पड़ी थी, आप देख सकते हैं कि वो सारी आज सफाई हो रही है, झाड़ू लगाई जा रही है, नालियां सफाई करी जा रही हैं। ये गीता कॉलोनी का रोड है, आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है। कारण यही था कि एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पे थे, जिसके कारण सफाइयां नहीं हो रही थी, जो आज सफाइयां हो रही हैं, शिविर को खोला जा रहा है, साथ ही जो कूड़ा पड़ा हुआ था उन कूड़े को भी उठाया जा रहा है। कर्मचारी आ गए, अच्छा क्या क्या मांगे थे आप लोग जो पूरी हो गई? और जो पक्के थे उनका रुक रहा था पैसा, तो सैलरी आ गई आप लोगों की? सैलरी आ गई जी, सैलरी है कि एक दिन जल्दी तो नहीं आ पाएगी, एक दिन दो दिन तो लगेंगे। और जो 20 के हैं डेथ केस वाले, उनको भी पक्का किया जाएगा। ठीक।